हाँ आर्या, हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग आप? चलिए शुरुआत करते हैं आज इटली का हैंडमेड पास्ता, नौकी पास्ता, राइट? और बहुत आसान तरीके से, और हम लोग इसके साथ बनाएंगे इंस्टेंट, ये वाला इंस्टेंट मैश पोटैटो, अमूल का जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट, उसके साथ बनाएंगे। भाई आलू उबालने का झंझट ख़त्म होता है। तो शुरुआत करते हैं कैसे बनाना है। मैं थोड़ी देर यहाँ भिगा के रख देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा, मैंने हाफ कप आलू का, ये आलू का ये मिश्रण लिया है हाफ कप। तो पानी भी हम लोग लेंगे हाफ कप। देखिए ये भी हाफ कप लिया है मैंने, और इसको धीरे धीरे, देखिए वैसे तो गुनगुना पानी डालना चाहिए, लेकिन अभी गर्मी इतनी है कि रूम टेम्परेचर का हम लोग पानी ले सकते हैं, गुनगुना लेने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी उससे भी ज़्यादा हॉट आ रहा है। मैं नागपुर में हूँ तो नागपुर से बात कर रही, तो गर्मी की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ये अच्छे से मिलाएंगे हम लोग। मैंने आपके लिए आटा नौकी का करके रखा है, लेकिन थोड़ा आपको बना के दिखाऊंगी। ये हो गया हमारा मैश पोटैटो, राइट? आराम से देखिए पानी पूरा पी लिया है, और शानदार प्रोडक्ट एकदम। ये देखिए कितना अच्छा, और वैसे ही क्रीमी जैसे आलू उबालने के बाद होता है। और मैंने एक बर्तन में, वहाँ पे एक पैन में पानी उबालने के लिए रखा है। अच्छा हॉट वाटर लगेगा हम लोगों को, किस लिए मैं बताती हूँ। ये अभी हो गया मैश पोटैटो, तो उसके साथ क्या लगेगा हम लोगों को, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा नमक। हम नौकी का आटा कर रहे हैं, राइट? नौकी पास्ता का, इसका जी जैसे साइलेंट है वैसे इसके अंदर जो जो जाता है, जो वो बहुत अच्छा ब्लेंड होने वाला। ये थोड़ा सा मिक्सअप, देखिए ये आपकी मर्ज़ी है आपको डालना है तो, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये भी आपकी मर्ज़ी, राइट? थोड़ा सा डाल रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा दरदरा निकाला था, तो मुझे सॉफ्ट वाला चाहिए थोड़ा सा, तो थोड़ा सा। और इसके साथ ये प्रोसेस चीज़ अमूल का 1 टेबल स्पून। देखिए ये वैसे तो पार्मेजानो चीज़ जाता है, लेकिन हमारा ये जो प्रोसेस चीज़ है वो बहुत अच्छा। देखिए ये पार्मेजानो चीज़ ऐसे रहता है जैसे कि सूजी, राइट? वो इसमें जाता है, लेकिन आज मैंने अमूल का ये प्रोसेस चीज़ डाला है 1 टेबल स्पून, और इसमें जाएगा नटमेग, जायफल जो इसके नौकी पास्ता में जाएगा। बिल्कुल कम डालना है, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है इसमें। और इसमें आप चाहो तो स्पिनच के साथ, जैसे पालक के साथ, या फिर वैलेंटाइन डे है, पिंक पिंक करना है, तो आप किसके साथ बना सकते हैं बताइए आप। बीटरूट के साथ इसमें अगर 2 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून आप उसका पल्प डालेंगे तो वो कलर का पास्ता बन जाएगा। हेलो सविता जी, देखिए अभी आधा कप मैंने ये आलू का लिया था, उसमें पानी आधा कप से थोड़ा कम लगा है आज। आप चाहो तो उसको बाद में बना सकते। तो ये कितना लगेगा मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लावर उसमें लगेगा 1/4 कप, राइट? और डिपेंड, कभी हमारा इसमें अगर पानी ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है, तो आप ये ऑल पर्पज़ फ्लावर थोड़ा ज़्यादा भी डालेंगे तो कुछ नहीं, उसका इतना रेशो का इशू नहीं है। करीब करीब जो हमारा आलू है उससे हाफ, और उससे थोड़ा कम, हाफ से थोड़ा कम आप डाल सकते। देखिए मैंने बोला था कि मैंने आधा कप में से थोड़ा बचाया है, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ। एक सॉफ्ट आटा, और मैंने बना के भी रखा है आपके लिए फ्रिज में।
देखिए ये जो आधा कप का बचा हुआ थोड़ा पानी है वो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि वो मॉइस्चर उतना लगता ही है। देखिए इसको थोड़ा सा हाथ से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि भाई आटा करना है तो थोड़ा सा हाथ से करना पड़ेगा। आराम से, और देखिए ये मैंने अच्छे से मिला लिया है। इसमें जो चीज़ है, ब्लैक पेपर है, ऑल पर्पज़ फ्लावर है, ये सब चीज़ें इसमें जाएगी। और देखिए ये आटा को मैं थोड़ा रेस्ट देना चाहूँगी, और जब भी हम खाना बनाते हैं तो हाथ धोते ही है भाई जैसे ही खाना बनाना चालू कर देंगे, पहले गैस के पास, कुछ भी कुकिंग करने के पास ले आते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, इसको थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। देखिए ये ठीक है, इतना सॉफ्ट चाहिए, इसको मैं थोड़ा बाजू में रख देती हूँ। और कैसे पास्ता बनाना है वो आपको बताती हूँ। तो ये रेस्ट होने देते हैं, फिर करते हैं, पहले आप हम लोग सॉस बना लेते हैं। ये हटा देती हूँ और हम लोग चलते हैं सॉस की तरफ, राइट। पहले सॉस कर देते हैं और उसके बाद नौकी आराम से सिखाऊंगी। अभी आटा गूंद के रखा है, कोई जल्दी नहीं भाई। तो ये देखिए ये है ऑलिव ऑयल, आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो सिंपल, जिसमें कोई स्मेल ना हो, जैसे मूंगफली वाला थोड़ा सा रहता ना, तो वो तेल थोड़ा सा लिया तो चलेगा आपको, लेकिन इसमें ऑलिव ऑयल जाता है। और हम बना रहे हैं अमूल के साथ, तो ये बटर, अमूल बटर, क्या कहने भी, डायरेक्ट क्यों नहीं डालना है, क्योंकि बटर जल जाता है। चलिए, और पानी उबालने के लिए मैं वहाँ रखा है दूसरी गैस पे, तो कोई चिंता नहीं भाई। देखिए वाओ, ये झुंझुनाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए बटर अभी पिघल रहा है, इसके साथ ये जो गार्लिक, महीन कटा हुआ गार्लिक जो है वो मैंने डाल दिया है 2 टेबलस्पून। देखिए वाओ बटर और गार्लिक का इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है, और उसमें अगर अमूल बटर है तो क्या कहना। तो ये मैंने एक बड़ा वाला प्याज डाल दिया है इसमें, और देखिए प्याज को ना थोड़ा धीमी आंच पे पकाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं होना चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। ट्रांसलूशन जैसे पारदर्शक होता है वैसे होना चाहिए। तो वैसे तो कम आँच पर 7-8 मिनट लग जाते हैं, लेकिन मैं अभी इसकी तरफ ध्यान दे के फ्लेम गैस की मेरी बड़ी है, लेकिन इसको रेड नहीं करना है। तो थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। बिल्कुल, आज हम लोग बना रहे हैं नौकी पास्ता, इटली का हैंडमेड पास्ता, और बहुत आसान तरीके से बनता है। और ये हम लोग इंस्टेंट मैश पोटैटो जो है वो मैंने आधा कप लिया है, तो आधा कप पानी लिया है, और उसके साथ ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया था मैंने 1/4 कप, ये आधा कप लिया तो 1/4 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर लिया, और उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑल सभी मसाले जो है इटालियन हर्ब जो रहते हैं पूरे वो लिए है, और थोड़ा सा नटमेग, राइट, जायफल है वो भी 1 पिंच जाएगा उसमें। आप चाहो तो बेसिल भी डाल सकते, मैंने ब्लैक पेपर और ये हमारे ऑरेगनो वगैरह सब मिक्स जो आता है अब वो डाला है। देखिए ये अभी आप प्याज को देख सकते हैं, मैंने जैसे बताया आपको, अभी इसमें तेल और थोड़ा बटर, अमूल बटर डाला है, और थोड़ा सा महीन कटा हुआ गार्लिक, और एक बड़ा प्याज,
अब आई थिंक जो लेट आए उन्होंने अभी सुन लिया है पूरी तरह से, और मैंने जैसे बताया प्याज को ना रेड नहीं करना है और कच्चा भी नहीं रखना है। इसको धीमी आंच पे ना 8 मिनट लग जाते हैं, और एक्चुअली धीमी आंच पे करना चाहिए ताकि पूरी तरह से ये ट्रांसल्यूशन हो जाए। देखिए ये जो कच्चापन रहता है ना प्याज का वो निकलना चाहिए। तो लेकिन मैंने बड़े फ्लेम पे कर रही हूँ, लेकिन ध्यान दे रही हूँ कि ज़्यादा न पके। देखिए अभी थोड़ा टाइम है, इसके साथ मैं डालूँगी ब्लैक पेपर थोड़ा सा। अंजना बंसल जी बोल रही है हेलो मैम, और उदय जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग। गुड इवनिंग उदय जी, गुड इवनिंग अंजना जी। चलिए आप लोग सब आते तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये ब्लैक पेपर, और अभी देख सकते हैं आप, देखिए ये हो गया है प्याज, और मैंने थोड़ा सा नमक पहले डाला था ताकि जल्दी हो जाए। और इसके साथ कुछ टमाटो की प्यूरे। कैसे करना है, पहले टमाटर को ब्लांच करना है, और उसके बाद उसको कद्दूकस करना है, या फिर आप मिक्सी से घुमा सकते हो। ये देखिए ये टमाटर प्यूरे। हेलो रिंकू जी, मैं आप सबका वेट करती हूँ। देखिए इसमें मैंने सिर्फ अभी ब्लैक पेपर डाला है। आप जितना आपके घर में चलता है उतना चिली फ्लेक्स आपकी पसंद अनुसार, और थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये मिक्स हब थोड़े से डाल देती हूँ इसमें। और मेरे पास अभी आज कौन है, आप चाहो तो नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, जो भी सब्जियाँ हैं आपके पास। लेकिन मुझे वो रेड के साथ पीले पीले कॉर्न, स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगेंगे। चलिए, और कुछ बेजिल के, सूखा बेजिल, ड्राई बेजिल है मेरे पास। तो जब भी आपके पास बेजिल ज़्यादा आता है तो धूप में ना सुखाए, ठंड में सुखाए, यानी घर के अंदर सुखाए, और इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है। देखिए ये हो गया है, इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इसमें डालूंगी टमाटर केचप, क्योंकि हमने प्यूरे डाला है तो ये बैलेंस होता है इसका जो फ्लेवर है ना, और महीन पिसा हुआ है ये। चलिए अगर आप चाहो तो इसमें क्रीम डाल सकते हैं। देखिए ये अमूल का शानदार क्रीम मैं थोड़ा डाल देती हूँ इसमें, 2 टेबलस्पून मैंने लिया था। अगर ये पिंक सॉस जैसे हो जाएगा थोड़ा इंडियन टच, या फिर सिर्फ रेड अगर आप बना रहे हैं तो थोड़ा शार्प आता है इसका फ्लेवर। और इसके साथ ये चीज़, वाओ, ये प्रोसेस चीज़ लिया है मैंने अमूल का। और देखिए थोड़ा सा नमक पहले डाला था तो थोड़ा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, पहले हमने डाला था तो वो याद रखें आप। ये देखिए ये हो गया हमारा सॉस, कुछ फ्रेश बेजिल ऐसे ही हाथ से तोड़े, इसकी जो सुगंध है वाओ क्या कहने, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फ्रेश बेजिल, और कितना अच्छा अरोमा आ रहा है अभी ये सब डालने के बाद, बहुत ही अच्छा। तो ये सॉस मैं साइड में कर देती हूँ, और चलते हैं नौकी कैसे बनाना फटाफट। और ये जब तक सॉस हमारा ठंडा हो जाएगा मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ, और लाती हूँ जो पानी उबालने के रखा था वो। ये देखिए बहुत सारा पानी इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ उसमें, और थोड़ा सा आप तेल डाल सकते हैं ऑलिव ऑयल,
ताकि ये नौ की जो है आपस में ना चिपके। अभी ध्यान से देखना है आपको कि मैंने कैसे कर रही हूँ। देखिए ये कुछ मैंने रेस्ट किए हुए पहले से आटा बांध के रखा है, कुछ नौकी बना के भी रखी है, और ये जो है थोड़ा रेस्ट हो गया इसका। देखिए इसके साथ एक और थोड़ा सा मैं मैदा लेके आती हूँ, ऑल पर्पस फ्लावर। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग ये जो फोर्क है इसमें थोड़ा सा ऐसा टैप करेंगे, और दो टाइप से मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसको ना थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ, ये जो है हमारा आटा इसकी छोटी छोटी इक्वल साइज से कर लीजिए, और कैसे करना मैं बताती हूँ। ये देखिए इसको ऐसे फोर्क को पकड़ना है और ऐसे करके इसको ऐसे घुमा के, देखिए ये इमेज आ गई है, देख सकते हैं आप। देखिए ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ और एक आपको बताती हूँ। चलिए ईशा जी बोले नाइस टू सी यू मैम, थैंक। राम जी बोलते हेलो। हेलो राम जी और हेलो ईशा जी, और सही में ईशा जी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये मैंने यहाँ पे रखा है थोड़ा सा फ्लावर और ऑल पर्पज़ फ्लावर, यहाँ पे डस्ट कर रही हूँ। और देखिए ये जो है यहाँ से ऐसे दबाना है और इस साइड में थोड़ा सा टैप करके ये जो है अंदर का हिस्सा इसको ऐसे करना है। बन गया दूसरा। अभी दूसरे वे से मैं दिखाती हूँ फिर से, और देखिए इतना अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट देंगे ना इसको, बहुत टाइम नहीं, 10-15 मिनट, तो ये जो है ना बहुत आसान तरीके से। अब ये जो ऑथेंटिक इटालियन जो बनाते कुछ लोग, ये ऐसा बनाते हैं। देखिए ये इसको इस टाइप से करके ये जो है उल्टा फोर्क पकड़ के किसी भी चीज़ से करो भाई, बनना तो वैसे ही है। ये एक बन गया, और अभी हमारा पानी उबल रहा है। रानी जी हेलो, और आई एम फाइन, बहुत अच्छी हूँ मैं। और आप लोग सब जब ज्वाइन होते हैं तब बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये दो टाइप से, ये जो ऑथेंटिक फोर्क को उल्टा पकड़ा है, और सामने की तरफ से, देखिए ये सामने की तरफ से मैं थोड़ा सा इसको दबा रही हूँ, तो ये जो इमेज है इस पर आ जाएगी, और ये हमारा नौकी बन गया। राइट, देख सकते हैं, ये फटाफट मैं बना लेती हूँ। चलिए पानी क्योंकि हमारा उबल गया है, और देखिए ये और बन गया है। अभी जो जो आटा है उसका मैं बना के दिखाती हूँ। देखिए ये जो आटा है आप देख सकते हैं, अभी उसको थोड़ा रेस्ट कम हो गया है, लेकिन फिर भी चलिए आप एक बना के उसका भी दिख लेते हैं। रिंकू जी बोलिए खूब सुंदर। थैंक यू रिंकू जी। देखिए ये जो है इसको ऐसे अंगूठे से करोगे तो सामने अगर आप थोड़ा सा प्रेस करोगे तो अपने आप पीछे से ये निकल आएगा ऐसे, देखिए। राइट, अभी जो हमने आटा किया उसका फिर से एक लेती हूँ मैं, जितना रेस्ट मिलेगा ना उसको उतना अच्छा बनता है। देखिए ये मैंने कुछ बना के रखे थे क्योंकि मुझे आराम से आपको सिखाना है, तो चलिए ये अभी जैसे उबल गया है तो ये सब मैं, ये उबलते हुए पानी में थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल। एक टिप इसमें भी देना चाहती हूँ कि जैसे आपको ऑयल नहीं डालना है तो पानी अच्छा उबलने के बाद डालिए, तो ज़रूरत नहीं है। देखिए ये अच्छे से उबल गया है, और अभी ये फ्लोट करेंगे, ऊपर आएंगे तब ये हो गया ऐसे समझना है हम लोगों को। देखिए जैसे हमारी दाल ढोकली जब भी हम ऐसा कुछ उबलते हैं तो दाल ढोकली के लिए, तो वो जैसे फ्लोट करते ऊपर, तो हमारा बन गया। क्योंकि हमारा सॉस तो अभी बना हुआ है, बस उसमें डालना है, ऊपर से चीज़ डालना है और ख़त्म। ये चीज़ थोड़ा सा,
प्रोसेस चीज़ थोड़ा सा, और उसमें डालूंगी मैं। देखिए ये देख सकते हैं आप, फ्लोट कर रहे हैं धीरे धीरे, सब आ रहे हैं ऊपर। आप मैं गैस की फ्लेम कम कर देती हूँ, दिख रहे ये देखिए, ये जैसे ऊपर आ गए ना, यानी पक गए, और जो नीचे बैठे हैं वो अभी नहीं पके। भालिप जी सेइंग गुड आफ्टरनून, नमस्ते, वाचिंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंजॉयिंग योर स्ट्रीम। थैंक यू वेरी मच, और गुड इवनिंग, हमारे यहाँ भी इवनिंग है लेकिन गुड आफ्टरनून। और देखिए ये देखिए सब फ्लोट हो गए, और ये अभी मैं यहाँ से हटा देती हूँ और फटाफट मिक्स करेंगे हम लोग। वाओ, ये देखिए अभी फिर से मैं थोड़ा सा, और ये हमारा जो सॉस बन के तैयार है वो मैं ले रही हूँ, और ये जो पास्ता है। थैंक यू वेरी मच मंजू जी, और आपको अगर ये आटे से भी बनाना है तो बहुत आसान तरीके से बनता है, और इसमें कुछ आप जैसे स्पिनिच डाल रहे हैं या फिर बीट रूट डाल रहे हैं तो आप देखिए ये शानदार नोकी, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इसको आराम से हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए ये वाला स्पैचुला वो रख देती हूँ ताकि इसमें से लेके बहुत अच्छा लगेगा। वाह, और क्या सुगंध है, इसके ऊपर आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं बाद में, लेकिन मैं ये थोड़ा हटा देती हूँ पानी का, बहुत गर्म पानी है। थैंक यू वेरी मच अनघा जी, और देखिए ये पास्ता डिश जो प्रॉपर पास्ता से बनती है, ये देखिए वाओ, ये नौ की पास्ता। आई होप आप सब ने इसका शेप कैसे है, और बाय द वे ये जैसे हम लोग शेप दिया ना इस टाइप, इसको जैसे इसको, और इसको जिप लॉक में बना के रखा, तो फ्रिज में बना के रखा तो चलता है, वेरी गुड। अब इसके साथ थोड़ा सा बेजिल, कुछ बेजिल या कुछ थोड़ा सा पार्सले, जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हैं। वाओ, सुगंध इतनी अच्छी आ रही है। देखिए ये थोड़ा सा पार्सले और थोड़ा सा ये बेजिल, थोड़े से ये मैं ज़्यादा पत्ते लगा देती हूँ एक साइड में, और ऊपर से हमारा प्रोसेस चीज़ अमूल का, क्या कहने हैं हम लोग भाई, इसमें ऑलिव ऑयल ऊपर से नहीं डालेंगे, आप चाहो तो बटर डाल सकते हैं वो भी अमूल का। वाओ, ये हमारा नौकी पास्ता, और इतनी शानदार खुशबू, चलिए ये देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा ये शेक है, कोकोनट फज शेक। तो इसमें मैंने टेंडर कोकोनट लिया है, उसके साथ बेल्जियम चॉकलेट, और ये कुछ कोकोनट कुकीज़ अमूल की, उसको थोड़ा सा क्रश कर लिया है, और ये कोकोनट क्रीम मैंने कुछ निकाला है। तो कोकोनट कैसे क्रीम निकाला है, ये निकालना है जैसे एक टेंडर कोकोनट या फिर हमारा जो गीला वाला नारियल रहता है ना, उसको कद्दूकस करना है और थोड़ा पानी डाल के मिक्सी से निकालना है। तो उसके बाद उसको अगर आप हम लोग निचोड़ देंगे कोई कपड़े में पकड़ के, तो दूध बन जाएगा ये जैसे थिक वाला है, और ये थोड़ा सा कोकोनट और कंडेंस मिल्क, और थोड़ा सा इसमें जाएगा चॉकलेट फ्लेवर का। देखिए पहले तो मैं ये हमारा अमूल कूल डाल रही हूँ, इसमें ये डाल के
रख देती हूँ। दो वे से हम लोग करेंगे। और ये कुछ कोकोनट कुकीज़, इसके साथ कोकोनट क्रीम और कोकोनट मिल्क या क्रीम, थोड़ा गाढ़ा रहता है तो थोड़ा क्रीमी हो जाता है वो, तो जो भी आपको अच्छा लगे। और थोड़ा सा मेरे पास है कोकोनट, तो आप सूखा वाला मत डालिए, जिसमें पानी रहता है नारियल में वो बहुत अच्छा रहता है। और ये हमारा सबसे प्यारा कंडेंस मिल्क और थोड़ा सा आइसक्रीम। देखिए आइसक्रीम में मैं बाद में डालूंगी। देखिए, और ये जो चॉकलेट है वो थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ। और ये चॉकलेट बेल्जियम, देखिए कितना स्मूथ है ना, ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है, थोड़ा क्रीमी क्रीमी है। और कोकोनट के साथ चॉकलेट का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, टेंडर कोकोनट का बहुत ही अच्छा। तो ये मिक्सी से मैं निकाल के लाती हूँ और एक इसके साथ भी हम लोग करेंगे। ये जो अमूल गोल्ड है वो भी उसके साथ हम लोग लेंगे। और फटाफट मिक्सी से घुमा के लाती हूँ। ये हमारा मिल्क शेक दोनों वे से जो बना है, अब इसमें डालेंगे हम लोग आइसक्रीम। ये आइसक्रीम इसमें डाल देती हूँ और देखते हैं हमारा शेक कैसे हो गया है। ये वाओ अमूल का शानदार आइसक्रीम, चॉकलेट फ्लेवर वाला। और दूसरा हम लोग इसमें टेंडर कोकोनट वाला भी आइसक्रीम डाल सकते हैं, अमूल का शानदार वो आइसक्रीम टेंडर कोकोनट वाला। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने ये डाल दिया है। हाँ जी मंजू जी, ये मैंने अभी बोला आपको कि जैसे इससे मैं जैसे बना रही हूँ, देखिए ये, और इसको बना के एक मिनट मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये जैसे बन गया ना, कब रखना है मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये बन गया है ऐसे, और ये बन गया, इसके बाद हम लोग ये जिप लॉक में फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा दोनों वे से आइसक्रीम, और ये अमूल कूल के साथ एक है, और मैंने दोनों में अभी चॉकलेट आइसक्रीम डाला है। लेकिन आपके पास अमूल का अगर टेंडर कोकोनट आइसक्रीम है तो वो आप डाल दीजिए।
किसी की कोई क्वेश्चंस? चलिए, तो आज की दोनों रेसिपी आपको कैसी लगी वो ज़रूर बताना, और नौकी पास्ता जो भाई बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं, अगर घर में आप बना सकते और हेल्दी वे से बना सकते, नो प्रिजर्वेटिव, ठीक है। तो ये नौकी पास्ता जो ऑथेंटिक वे से बहुत सारे सॉस में बनता है, और जो आपको अच्छा लगे उसमें आप बनाइए। और आज का शेक जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर गर्मी के दिन है तो मैं रखती हूँ, कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे लेती हूँ जो हेल्दी भी हो और मज़ेदार भी हो। तो आज की दोनों रेसिपी कैसी लगी आपको, आप लाइक करना मत भूलिए और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।